एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। 25 अप्रैल को होगा रीट का एग्जाम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ऐलान किया है 31,000 पदों के लिए ये एग्जाम होगा और बहुत से छात्रों को लगातार इंतजार था क्योंकि काफी बार ऐलान किया गया, कई बार कहा गया, लेकिन तारीख नहीं सामने आ पाई थी। पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये बताया और बताया कि 31,000 पदों के लिए जो रीट का एग्जाम होना है वो 25 अप्रैल को होगा। हमारे शिक्षा मंत्री याद दिला रहे हैं कि 31,000 की जो भर्ती है, बहुत पॉपुलर डिमांड है बच्चों की, भर्ती 25 अप्रैल को उनका एग्जाम होगा रीट का। ये मैं 25 अप्रैल को हमारे शिक्षा मंत्री याद दिला रहे हैं कि 31,000 की जो भर्ती है, बहुत पॉपुलर डिमांड है बच्चों की, भर्ती 25 अप्रैल को उनका एग्जाम होगा रीट का। ये मैं तो सुना अपने 31,000 छात्रों को सौगात मिलेगी, एग्जाम होगा और जो लंबे वक्त से इंतजार चल रहा था उस इंतजार के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि तारीख का ऐलान हो चुका है 25 अप्रैल। और आपको याद होगा कि 3 दिन पहले बकायदा ट्विटर पर इसका जिक्र भी किया गया था और कहा गया था कि जल्द ही इसका ऐलान होगा। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुका। भारत, इसका ऐलान तो 3 दिन पहले ही हो चुका था, लेकिन इस ऐलान को मुख्यमंत्री के जरिए करवाना था, इसलिए आज कह दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि 25 अप्रैल को तारीख जब इंतजार खत्म होगा, रीट का एग्जाम होगा, 31,000 पदों के लिए एग्जाम होगा। बिल्कुल विजेंद्र, निश्चित रूप से आज का दिन इसको किया है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 25 वर्ष के लिए इस्तीफा के जरिए इसके साथ साथ नीट की जो भर्ती परीक्षा है जिसका लाखों व्यक्ति को इंतजार था, 31,000 पदों पर भर्ती हुई थी। हालांकि 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने टीकर में ये संकेत भी दिए थे और ये बात भी कही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नीट की भर्ती तारीख का ऐलान का बराबर करेंगे। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 अप्रैल को ही भर्ती की परीक्षा आयोजन की तारीख है वो यहाँ पर जारी कर दी है और इसी के साथ लाखों भर्ती होकर खुशी का माहौल है क्योंकि लंबे अर्से से विद्यार्थियों को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसका इंतजार था क्योंकि प्रदेश भर में जो बेरोजगारों की संस्थिति है बहुत ही दयनीय हालत में चल रही थी जिसके चलते इसका इंतजार था। और उसके बाद एक बड़ी घोषणा है यहाँ मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, निश्चित रूप से बेरोजगारों को भर्ती के तहत काफी लाभ है वो यहाँ पर मिलेगा। भारत, कितने बच्चे इसके लिए फाइट करेंगे क्योंकि 31,000 तो पद है जिसके लिए एग्जाम होगा। लेकिन प्रदेश भर में अगर भर्तियों की बात की जाए तो लगातार आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से की भर्तियों के पदों की संख्या काफी होती है और दावेदार होते वो ज्यादा होते हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के 31,000 पदों पर जो भर्ती निकली है उसके लिए लगभग 10 से 15 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो इस परीक्षा में बैठने की संभावना है। मंत्रालय ने बताई जा रही है। भारत, कितने लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था? देखिए बिल्कुल पिछले साल दिसंबर के माह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीट की भर्ती के पदों की घोषणा है वो यहाँ पर की थी। करीब लगभग 1 साल का भर्ती की थी। पिछले महीने की अगर बात की जाए तो पिछले महीने भी शिक्षा विभाग की फैसले की नीट की भर्ती को जल्दी से जल्द तारीख ऐलान कर दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग को जब शिक्षा विभाग के द्वारा से फाइल यहाँ पर भेजी गई थी लेकिन चुनाव आयोग ने किसी कारणवश फाइल को वापस शिक्षा विभाग को लौटा दिया, उसके चलते भर्ती है 1 से 1.5 महीने पहले जो भर्ती परीक्षा थी वो फरवरी में यहाँ पर होने वाली थी लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा फाइल भारत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तारीख का ऐलान हो चुका है 25 अप्रैल को रीट का एग्जाम होगा। लाखों छात्र हैं जो इसमें फाइट करेंगे और लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे क्योंकि लगभग 1 साल से ऊपर का इंतजार हो चला था। बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि रीट परीक्षा कब होगी, लेकिन अब उसके लिए तारीख का ऐलान हो चुका है और ये तारीख है 25।